एवरीवन आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स में फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो आज हम सीखेंगे कि मार्केट का मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट कौन से हैं। तो कॉमन लैंग्वेज में मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स आके मिलते हैं। बायर्स आके गुड्स परचेस करते हैं और सेलर्स अपने गुड्स सेल करते हैं। बट इकोनॉमिक्स में मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे अरेंजमेंट होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज की। तो वो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मतलब मार्केट की प्लेसेस डिफरेंट डिफरेंट होती है, जैसे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन, प्योर कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। तो वो अरेंजमेंट है मार्केट की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अरेंजमेंट है। तो वो अरेंजमेंट हमें तो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट्स को है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट है मार्केट प्लेस की। तो वो मार्केट प्लेस जो है ना, वो मार्केट प्लेस को हम बोलते हैं मार्केट है वो अरेंजमेंट है इकोनॉमिक्स में। ओके, तो वो इंट्रोडक्शन इतना शॉर्ट ही है। मार्केट इकोनॉमिक्स में बोलते हैं मार्केट प्लेसेस एंड अरेंजमेंट, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ये मार्केट्स होते हैं। ओके, अभी डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड बाय द टर्म मार्केट नॉट एंड पर्टिकुलर मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं बट मार्केट से अंडरस्टैंड करते हैं। इन विच थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड बट इन द होल ऑफ एनी रीजन। देखो, मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे गुड्स और गुड्स सेल होते हैं। बायर्स आते हैं, बाय करते हैं, सेलर्स आके सेल करते हैं। तो हम उसको एज अ होल ही देखेंगे, एक प्लेस के हिसाब से नहीं देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है होल ऑफ एनी रीजन इन विच बायर्स एंड सेलर्स आर इन सच क्लोज कॉन्टैक्ट। मतलब इसको होल रीजन देखेंगे जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स क्लोज कॉन्टैक्ट में है। एक प्लेस के हिसाब से नहीं देखेंगे, एज अ होल रीजन के हिसाब से देखेंगे जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स क्लोज कॉन्टैक्ट में है एक दूसरे से। मतलब जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज सेम प्राइस पे इक्वली इजीली क्विकली सेल होते हैं। इजीली क्विकली सेम प्राइस पे गुड्स और सर्विसेज सेल होते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट में कौन, बायर्स और सेलर्स एक रीजन में, एक प्लेस में। मार्केट प्लेस को, मार्केट को एज अ होल्ली अंडरस्टैंड करते हैं इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिक्स मार्केट प्लेस को नहीं, मार्केट को एज अ रीजन अंडरस्टैंड करते हैं जहाँ पे बायर्स और सेलर्स क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं एक दूसरे से, जहाँ पे गुड्स सेम प्राइस में सेल होते हैं इक्वालिटी में, इजी में और क्विकली में। समझा डेफिनेशन? यहाँ पे क्या बताया गया है इकोनॉमिक्स में, समझाया है वो प्लेस, ये मार्केट एक प्लेस नहीं, एक रीजन है जहाँ पे गुड्स सेल होते हैं, सेलर्स और बायर्स एक क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं, गुड्स एक प्राइस पे सेल होते हैं इजीली और क्विकली। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट कौन से हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, प्योर कॉम्पिटिशन, मोनोपोली कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन वो कॉम्पिटिशन है जहाँ पे परफेक्टली कॉम्पिटिशन होता हो। मतलब प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होने चाहिए, सेम प्रोडक्ट होना चाहिए, कॉम्पिटिशन परफेक्ट होने चाहिए, नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ बायर भी ज़्यादा होना चाहिए, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, दूसरे प्रोडक्ट होने ही नहीं चाहिए। वहाँ पे बायर का प्राइस प्रोडक्ट का सेम होना चाहिए, क्योंकि कैसा होगा, परफेक्टली कॉम्पिटिशन में एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे, तो एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे तो वो प्राइस मेकर नहीं होंगे। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे एक ही सेलर है तो मोनोपोली है उसका, तो वो अपना प्राइस मेक कर सकता है, अपना प्राइस बढ़ा सकता है। बट अगर परफेक्ट कंपटीशन है, 5, 10, 15 सेलर्स हैं और सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्रोडक्ट सेल होगा। क्योंकि वो डिमांड और सप्लाई के बेस पे क्यों सेल होगा, क्योंकि वो डिमांड प्रोडक्ट की जितनी होगी उस हिसाब से प्राइस डिसाइड होगी। ओके, तो परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट है जहाँ पे परफेक्टली सेल होते हैं गुड्स, परफेक्टली होमोजीनियस गुड्स सेल होते हैं, और होमोजीनियस के अलावा परफेक्ट नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं,
परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स सेल होते हैं और परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट नॉलेज होता है। मोनोपोली कंपटीशन में एक ही सेलर होता है जो प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर होता है। वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस खुद ही मेक कर सकता है, बढ़ा घटा सकता है, एज पर मतलब उसको डिजायर देख के वो बढ़ा घटा बढ़ा सकता है। प्योर कंपटीशन इज लाइक अ परफेक्ट कंपटीशन, जैसे परफेक्ट कंपटीशन है वैसे ही प्योर कंपटीशन है। मोनोपोलिस्टिक रियल कंपटीशन है, ये हमारे वर्ल्ड में जैसे कि मार्केट देखे जाते हैं ना, मोनोपोलिस्टिक वही कंपटीशन है। जैसे कि हम देखते हैं सब प्रोडक्ट्स रहते हैं मार्केट में, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स, सब सेलर्स, सब बायर्स, प्राइस एज पर मार्केट डिमांड वैसा ही है। और ये इमेजिनरी है, क्यों? क्योंकि एक ही प्रोडक्ट मार्केट में हम नहीं रख सकते हैं, तो ये परफेक्ट कंपटीशन इमेजिनरी है। तो चलिए फीचर्स देखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ सेलर्स लार्ज होते हैं। प्राइस टेकर्स, ये प्राइस अपने हिसाब से नहीं बना सकते, ये मार्केट के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस बना सकते हैं। तो ये प्राइस टेकर्स हुए, जो प्राइस हुआ उनको देना पड़ेगा, मेकर्स नहीं हुए। ओके, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स भी ज़्यादा रहते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी फॉर्म फ्रीली आ सकता है, कोई भी फॉर्म फ्रीली जा सकता है, किसी से किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेम और सब्स्टिट्यूट सेम होने चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। परफेक्ट नॉलेज, बायर को और सेलर को अगर इस परफेक्ट मार्केट में आना है, परफेक्ट कंपटीशन में, तो परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर सेलर आएगा इस मार्केट में, नॉलेज नहीं होगा तो वो अपना गुड्स अच्छे से नहीं सेल कर पाएगा, और बायर आएगा नॉलेज नहीं होगा तो गुड्स अच्छे से बाय नहीं कर पाएगा। ओके, सिंगल प्राइस, प्राइस सिंगल होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की, मतलब फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है, तो सिंगल प्राइस होनी चाहिए। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रीनरशिप जो होता है ना, परफेक्ट मोबिलिटी होता है, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक जा सकता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होने के लिए। ओके, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एज यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा हैं, क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नो है, इजीली रीच हो सकता है कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जीरो है। नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इतना नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने फ्रीडम दे के रखा है कि आप करो, आपको जो करना है अच्छे से करो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इतना फ्रीडम नहीं है। लेजिस्लेटरी पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट का इतना मतलब वो नहीं है, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स नहीं है, फ्रीली गवर्नमेंट ने उनको फ्रीडम दे रखा है। ओके, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सेलर्स ज़्यादा है, प्राइस टेकर हैं, खुद प्राइस नहीं मेक करते हैं, एज पर डिमांड एंड सप्लाई है। नंबर ऑफ बायर्स भी ज़्यादा है, फ्रीली कोई आ सकता है, कोई भी जा सकता है, और प्रोडक्ट्स सेम है, अलग अलग नहीं है, तो ये इमेजिनरी मार्केट है, मतलब रियलिटी में ऐसे नहीं हो सकता है, एक ही मार्केट में एक ही प्रोडक्ट टाइप के प्रोडक्ट मिले, ऐसे नहीं हो सकता है। परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए बायर को भी सेलर को भी, सिंगल प्राइस, प्राइस प्रोडक्ट की एक ही होनी चाहिए। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रीनरशिप, यहाँ से वहाँ फ्रीली हो सकता है, मोबाइल मतलब ग्लोबलिटी मतलब फ्लेक्सीबिलिटी। ओके, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यहाँ पे रीचेबिलिटी क्विकली है, तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट नो है। नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करती है, तो नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। परफेक्ट कंपटीशन मैंने क्या बताया, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे परफेक्टली कंपटीशन होता है। मोनोपोली में क्या बताया कि एक ही सेलर होता है, प्राइस खुद की में करता है, और ये रियलिस्टिक होता है। हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा, तो ये सबसे ज़्यादा सही है। मैं आपको सबके अलग अलग फीचर्स अलग अलग वीडियोस में बताती जाऊंगी। स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल। थैंक यू।